एक अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दशमिक में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था जिसमें ईरान के सात बड़े अधिकारी मारे गए थे ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल और अमेरिका पर लगाया था ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने उस वक्त ऐलान किया था कि वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे और ईरान के इस ऐलान के बाद से इसराइल पर किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है वहीं इसराइल ने भी ईरान के किसी भी सीधे हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं यहां तक कि अब अमेरिका ने भी इसराइल को ईरानी हमले के लिए आगाह कर दिया है और अब इसराइल हाई अलर्ट पर है दरअसल मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल एरिक कुरेला ने कहा कि वो ईरान के इसराइल पर संभावित हमले के संबंध में समन्वय के लिए इसराइल जा सकते हैं जहां पर उनकी मुलाकात इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलैंड से हो सकती है वहीं इसराइल का कहना है कि वो ईरानी जमीन पर इसराइल पर संभावित बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले के लिए तैयारी कर रहा है सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया तो इसराइल भी उसका जवाब ईरान पर सीधे हमले के रूप में देगा और इन्हीं हालातों से निपटने के लिए अमेरिका और इसराइल के अधिकारी कई स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और हमले के इस खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा कहा कि वो हर खतरे में इसराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ईरान और उसके प्रतिनिधियों के इन खतरों के खिलाफ इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है बाइडेन ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया है ईरान और उसके प्रतिनिधियों से इन खतरों के खिलाफ इसराइल की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है मैं आपको फिर से बता दूं, लोहे का सुरक्षा कवच हम इसराइल की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इसराइल पर हमला कर सकता है हालांकि कई जानकारों का कहना है कि रमजान के खत्म होने तक ईरान कोई हमला नहीं करेगा लेकिन रमजान खत्म हो चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी एजेंसियों ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल पर ईरान का हमला बेहद ही करीब आ रहा है सूत्रों का कहना है कि ईरान इसराइल पर प्रमुख मिसाइल या ड्रोन से हमला कर सकता है हालांकि इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान या तो सीधा हमला करेगा या फिर अपने सहयोगी जैसे हिजबुल्ला के जरिए ये हमला करा सकता है और यही वजह है कि अमेरिका ईरान के संभावित हमले को लेकर इसराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है यहां तक कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने कथित रूप से इसराइल के साथ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने का प्रस्ताव भी रख दिया है न्यूज एजेंसी अल जजीरा को एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अगर ईरान या उसका कोई एजेंट इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेगा